So question is, obtain Fourier series f of x is equal to x plus pi by 2, where limits are minus pi to 0, and second equation is f of x is equal to pi by 2 minus x and limits are 0 to pi. अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो लिमिट स्टार्ट हो रहा है माइनस पाई से एंड एंड हो रहा है पाई तक, तो ये एक्चुअल टाइप हो गया माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई टू प्लस पाई, टाइप नंबर टू और केस नंबर टू। तो जैसे ही आप अगर देखते हो कि आपका टाइप है सेकेंड टाइप माइनस पाई टू प्लस पाई, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे दैट फंक्शन इज इवन और ऑड, दैट फंक्शन इज इवन और ऑड। वो कैसे चेक करते हैं हम लोग, एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुटअप करके। तो यहां पे ठीक से देख लो एक बार, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी यहां पे प्रॉब्लम होगा, ठीक से देख लो एक बार, ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें मैंने एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुटअप किया, तो ऑब्वियसली यहां पे भी चेंज होगा ना। सो हियर एक्स के जगह पे आएगा माइनस एक्स, यहां पे एक्स है ना, वहां पे आएगा माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू में थोड़ी ना एक्स है, वो वैसे ही रहेगा, प्लस पाई बाई टू। एंड हियर नीचे क्या होगा, पाई बाई टू एज इट इज एंड माइनस ऑफ माइनस एक्स, ऐसा होगा। लेकिन इसके साथ हाँ, इसको आप प्लस एक्स कर सकते हो, तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं प्लस एक्स। लेकिन इसके साथ लिमिट्स में भी चेंजेस होगा, कैसा होता है, ये माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो है ना, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस पाई क्या होगा, प्लस पाई होगा। ये एक्स को वैसे रखेंगे, एक्स इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल इंडिकेट करता है कि ये कहां से कहां पे जा रहा है, तो इसको नहीं करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। एंड ये जीरो का तो नेगेटिव जीरो जीरो ही होता है, लेकिन उसी के साथ सिंबल भी इंटरचेंज होगा। अभी आप बोलोगे कैसे, सिंपल लॉजिक है, मुझे बताओ थ्री इज लेस देन फोर है, थ्री इज लेस देन फोर, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस से तो माइनस थ्री लेस देन माइनस फोर है, राइट स्टेटमेंट है क्या, मुझे बताओ। माइनस थ्री अगर नेगेटिव में देखा जाएगा तो स्मॉलर वैल्यू एक्चुअली लार्जर होता है, तो माइनस थ्री इज ग्रेटर, तो यहां पे सिंबल उल्टा करना पड़ेगा आपको, अपोजिट सिंबल, दैट इज ग्रेटर दैन, क्लियर है। सो सिमिलरली आप लोग यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वाला पाई प्लस पाई होगा, सिंबल ग्रेटर दैन एक्स ग्रेटर दैन जीरो, अभी जीरो नेगेटिव नहीं होता है इसलिए जीरो लिखा। सेम एज नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ये जीरो एज इट इज जीरो, सिंबल चेंज होगा ग्रेटर दैन एक्स ग्रेटर दैन माइनस पाई, मतलब आपको क्या करना है, यहां पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस पाई, जीरो इंटू पाई जीरो इंटू माइनस जीरो होगा, सिंबल सिंबल आपको इंटरचेंज करना है। अब बोलो ना, सिंपल लॉजिक है, देखो सी हियर, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, थ्री लेस देन फोर, ये सिंपल लॉजिक है। अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस थ्री लेस देन माइनस फोर अगर आप रखते हो तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि माइनस थ्री कभी भी, माइनस थ्री ये ग्रेटर है ना एक्चुअली, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंबल इंटरचेंज हो गया। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि मुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिला है कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिला विद अ पॉजिटिव सिंबल तो वो इवन फंक्शन हो गया, एंड विद अ नेगेटिव सिंबल मिला तो ये ऑड फंक्शन हो गया, क्लियर है। तो चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स में क्या था, एक्स प्लस पाई बाई टू, यहां पे मिला आपको एक्स प्लस पाई बाई टू, उसका लिमिट्स क्या, देखो माइनस पाई टू जीरो, यहां पे भी देखो ना, जीरो इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई, मतलब माइनस पाई टू जीरो ही है, जीरो इससे ग्रेटर है, इंटरचेंज हो गया सिंबल, तो मतलब वही हो गया एक्चुअली आपका। तो x प्लस पाई बाई टू के लिए जीरो इज ग्रेटर देन माइनस पाई, यहां पे x प्लस पाई बाई टू के लिए जीरो इज ग्रेटर देन माइनस पाई, सेम है। सेकेंड था पाई बाई टू माइनस एक्स, यहां पे देखो पाई बाई टू पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, सेम पाई बाई टू माइनस एक्स, लिमिट से जीरो टू पाई, यहां पे भी देखो पाई इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो टू पाई, तो आपको सेम इक्वेशन मिला, आपको सेम इक्वेशन, और कोई सिंबल चेंज भी नहीं हुआ,
एज इट इज मिला, इसलिए ये एफ ऑफ एक्स कॉल करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें अगर मुझे अगर दोनों में से कॉमन माइनस कॉमन लेना पड़ा तो वो और फंक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको एज इट इज मिला। सिर्फ क्या हो गया, ऊपर का इक्वेशन नीचे आया, नीचे का इक्वेशन ऊपर गया, लेकिन लिमिट्स भी प्रॉपर है। तो ये हो गया आपका कौन सा फंक्शन, हो गया इवन फंक्शन, हो गया इट इज अ इवन फंक्शन। एंड अगर ये इवन फंक्शन है तो इसमें कौन सा वैल्यू जीरो होता है, तो बी एन जीरो होता है, होता है बी एन जीरो। अगर वो ऑड होता, ऑड तभी होता मालूम है, अगर मुझे इसमें से माइनस कॉमन लेने की जरूरत पड़ती है, माइनस अगर कॉमन लेता हूं मैं और आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगा एफ ऑफ एक्स, तो वो ऑड हो जाता है। लेकिन यहां पे माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज इक्वेशन मिला है, सिर्फ इंटरचेंज किया लेकिन लिमिट्स पे इंटरचेंज किया है, तो ये ओरिजिनल इक्वेशन मिला, दैट इज इवन फंक्शन। एक बार ये इवन हो गया तो बी एन इज जीरो, बचा क्या आपको a0 जीरो एंड ए एन कैलकुलेट करना है हम लोग को। सो a0 जीरो ए एन कैलकुलेट करने के लिए a0 जीरो का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, देन अभी आपको क्या करना है, इसमें मुझे f ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। मेरे पास टू इक्वेशंस अवेलेबल है, x प्लस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू माइनस एक्स, तो आप इसमें से कौन सा यूटिलाइज करोगे, क्योंकि यहां पे लिमिट से जीरो टू पाई, तो जीरो टू पाई ये दिख रहा है आपको लिमिट्स, इसके लिए इक्वेशन है पाई बाई टू माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। ओके, आप दोनों इक्वेशन सिलेक्ट मत करो, क्योंकि आपका लिमिट से जीरो टू पाई, तो जीरो टू पाई के लिए पाई बाई टू माइनस एक्स ये यूटिलाइज करो। सो ए जीरो इज इक्वल टू टू बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, ये इतना ही लेना है आपको। अभी आप थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस टाइप में जब इक्वेशन था जीरो टू टू पाई, तभी आप लोग को अगर टू डिफरेंट इक्वेशंस दिया था ऐसा कुछ, सपोज जीरो टू पाई एंड पाई टू टू पाई, तभी आप लोग दोनों इक्वेशन सेपरेट कर रहे थे, जीरो टू पाई सेपरेट, पाई टू टू पाई सेपरेट, क्यों, क्योंकि लिमिट जीरो टू टू पाई था ना, तभी फॉर्मूले में भी जीरो टू टू पाई था, लेकिन अभी फॉर्मूले में क्या है, जीरो टू पाई है सिर्फ, और अगर जीरो टू पाई तो जीरो टू पाई का ही वैल्यू लो आप लोग, क्लियर है। सो जीरो टू पाई का वैल्यू क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो सेकेंड इक्वेशन सिर्फ लेना है, फर्स्ट का कुछ भी यूज अभी नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजन हो सकता है वहां पे। सो सिंपल अभी इंटीग्रेशन, ए जीरो इज इक्वल टू टू अपॉन पाई ब्रैकेट, पाई बाई टू इज द टोटली कॉन्स्टेंट टर्म, सो पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स का पावर वन है, तो एक्स रेस टू पावर इंक्रीज करो टू बाय टू, लिमिट जीरो टू पाई। सो अगर आपने पाई पुटअप किया यहां पे, तो ए जीरो इज इक्वल टू टू अपॉन पाई ब्रैकेट, अपर लिमिट क्या होगा, अगर मैंने पाई सब्स्टिट्यूट किया तो पाई इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई टू माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। अगर मैंने जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो जीरो होगा, यहां पे भी जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो जीरो होगा, सो फाइनली आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो ये पाई स्क्वायर बाई टू माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, इसका वैल्यू क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई टू माइनस पाई स्क्वायर बाई टू गेट कैंसल, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो और ये भी जीरो, जीरो इंटू टू बाई पाई इज जीरो, सो ए जीरो का वैल्यू मिल गया जीरो। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे अभी ए एन, बी एन सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो बी एन डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। सो ए एन का फॉर्मूला होता है टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है। वापिस सेम क्वेश्चन यहाँ पे, जीरो टू पाई के लिए एफ ऑफ एक्स क्या सिलेक्ट करोगे आप लोग, जीरो टू पाई के लिए पाई बाई टू माइनस एक्स, सो हियर टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई, इसका वैल्यू है पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे होगा यू एंड वी रूल, ओके, तो यू एंड वी रूल के हिसाब से आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इज यू दिस इज वी, फॉर्मूला क्या होता है यू इंटू वी का, यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री एज इट इज, जो भी है।
सो 2 बाय पाई एज इट इज ब्रैकेट इंटीग्रेशन निकाल देता हूं मैं, u एज इट इज मीन्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये एज इट इज लिया मैंने. वी वन मीन्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन. देन माइनस यू डैश का मीनिंग होता है इसका डेरिवेटिव, तो पाई बाई टू इज द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और ये पहले से एन था तो एन स्क्वायर हो गया. ओके अभी वापस इसका डेरिवेटिव करोगे तो जीरो होगा, इसलिए मैं यहां पे स्टॉप करता हूं एंड लिमिट्स आर जीरो टू पाई. ओके अभी आपको एक शॉर्टकट पता है, अगर मेरा अपर लिमिट पाई जो वैल्यू दिया मुझे वो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो साइन एन पाई का वैल्यू होता है जीरो, एंड लोअर लिमिट जीरो पुट किया तो भी साइन एन जीरो होता है जीरो, तो साइन का टर्म डायरेक्टली मैं कैंसिल ही कर देता हूं, वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. सो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया अगर आपने तो 2 अपॉन पाई एज इट इज, अपर लिमिट करना है मुझे तो पाई पुटअप करेंगे तो फर्स्ट टर्म जीरो छोड़ दो, स्टार्ट होगा माइनस से, माइनस जीरो माइनस वन माइनस वन ब्रैकेट माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जीरो पुट किया आपने तो फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड माइनस ब्रैकेट माइनस वन ब्रैकेट माइनस कॉस जीरो अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ओके देन अभी आपको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू कुछ. सो 2 बाय पाई ब्रैकेट माइनस माइनस माइनस, थ्री टाइम्स माइनस आ रहा है तो वो माइनस ही रहेगा. कॉस एन पाई का वैल्यू होता है माइनस वन रेस टू एन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है. देन माइनस 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 माइनस, फोर टाइम्स माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू होगा वन अपॉन एन स्क्वायर, क्लियर है. एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा डिवाइड बाय एन स्क्वायर कॉमन है तो डिवाइड बाय एन स्क्वायर कॉमन लिया आपने, माइनस ऑफ माइनस वन रेस टू एन प्लस वन, ये एक लिख सकते हो आप लोग. कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे माइनस मतलब माइनस वन होता है और ये माइनस वन रेस टू एन ऐसा होगा वो, तो आप इसका पावर है ना जो एडिशन कर सकते हो, तो ये निकाल के यहां पे एन प्लस वन भी लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो. मैं नहीं लिख रहा और एल्स लिख देता हूं, चलो आपके लिए लिख देता हूं. यहां पे क्या होगा माइनस वन रेस टू एन प्लस वन, क्योंकि ये माइनस वन है इसका पावर वन है और ये एन है, एन प्लस वन हो गया रेस टू में, और ये टू अपॉन पाई ये मिला आपको ए एन. ओके देन आपको क्या करना है, फोरियर सीरीज प्रॉपर लिखना है. सो एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स. ओके सो यहां पे एफ ऑफ एक्स जो है अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं एफ ऑफ एक्स एज इट इज एफ ऑफ एक्स ही रखता हूं, क्लियर है. इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू, जो ए जीरो का वैल्यू क्या था यहां पे जीरो, तो वो जीरो लिख दिया मैंने यहां पे, प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन का वैल्यू मिला आपको टू बाय पाई ब्रैकेट माइनस वन रेस टू एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, एंड बी एन का वैल्यू तो डायरेक्टली जीरो ही है ना, तो बी एन इज जीरो. सो ये हो गया फोरियर सीरीज और फोरियर एक्सपांशन, क्लियर है. सो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं डिड्यूस. सो डिड्यूस आपको पूछा है यहां पे, डिड्यूस पाई स्क्वायर बाई एट इज इक्वल टू वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर. आप लोगों ने इसके पहले ए जीरो ए एन बी एन, बी एन तो जीरो था क्योंकि ये इवन फंक्शन था, और ए जीरो ए एन कैलकुलेट किया था, वो आपने फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया. लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो गया कि एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली भी कौन सा वैल्यू लिखो,
फर्स्ट वाला इक्वेशन सेकंड वाला इक्वेशन ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि देर आर टू डिफरेंट इक्वेशंस। अगर सिर्फ फोरियर सीरीज पूछते आपको तो ये इतना इनफ था, लेकिन मुझे रिड्यूस करना है तो मेन इसमें आपको एफ ऑफ एक्स क्या लिखना है वो एक इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड एक्स का वैल्यू कौन सा पुट अप करोगे आप लोग, जीरो पाई और पाई बाई टू, उसमें से कौन सा पुट करोगे देखोगे आप लोग। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मेन एफ ऑफ एक्स लिखने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला है लिमिट, देर आर टू डिफरेंट इक्वेशंस तो आपको दो बार लिमिट लेना है आपको, एक्सटेंड्स टू एंड हियर अपॉन टू, क्यों, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन है आपका यहाँ पे x प्लस पाई बाई टू, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स, बराबर है। अभी मेन पार्ट है ये एक्सटेंड्स टू क्या लेना आपको, तो सिंपल लॉजिक बताता हूं मैं आपको, माइनस पाई टू जीरो एंड जीरो टू पाई है ना, तो ये इंटरमीडिएट टर्म कौन सा है दोनों के बीच में, जीरो आ रहा है, जीरो ये दोनों के बीच में, क्योंकि ये माइनस पाई टू जीरो पे खत्म हो रहा है, सेकेंड जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो जीरो दिख रहा है आपको वो लेना है आपको एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या लेना आपको जीरो लेना है, ओके, और वही आपको वैल्यूज पुट अप करना है यहां पे। तो एक्स का वैल्यू अगर आपने जीरो पुट किया तो क्या आएगा, लिमिट्स एक्सटेंड्स टू जीरो, जीरो पुट किया तो जीरो प्लस पाई बाई टू प्लस ये लिमिट्स का एक्स का वैल्यू पुट किया तो पाई बाई टू माइनस जीरो अपॉन टू, तो ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या होगा, टू पाई बाई टू, और एल्स टू पाई बाई टू, टू टू गेट कैंसल पाई, मतलब ऊपर का वैल्यू आएगा पाई और नीचे बच गया टू, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या मिला, एफ ऑफ एक्स पाई बाई टू एट एक्सटेंड्स टू, कितना लिया था आपने एक्सटेंड्स टू जीरो, तो ये एक हिंट है आपको कि आपको डिड्यूस करने के लिए एक्स का वैल्यू जीरो ही पुट करना है, क्या पुट करना है एक्स का वैल्यू जीरो, तो यही पुट अप करेंगे हम लोग, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन दिख रहा है, तो इसमें f ऑफ x का वैल्यू अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट किया, अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट किया तो f ऑफ x कितना आ रहा है पाई बाय 2, तो f ऑफ x का वैल्यू हो गया पाई बाय 2 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 2 अपॉन पाई ब्रैकेट माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर cos 0, x का वैल्यू जीरो, cos जीरो होता है वन होता है, सो हियर पाई बाई टू, अभी इसमें कांस्टेंट क्या है वो बाहर निकालो, टू अपॉन पाई इज अ कांस्टेंट, अगर बाहर लिया मैंने यहां पे तो यहां पे टू अपॉन पाई होगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ब्रैकेट माइनस वन रेस टू n प्लस वन प्लस वन अपॉन n स्क्वायर, cos जीरो का वैल्यू होता है वन, नहीं लिखा तो भी चलेगा, देन ये डिवाइड में पाई शिफ्ट किया लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में जाएगा टू, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा पाई स्क्वायर बाय फोर, पाई स्क्वायर बाय फोर, आपने ये पाई को शिफ्ट किया यहां पे, टू को शिफ्ट किया यहां पे, सो अभी जो बचा है उसमें मैं काम करता हूं, ये जो रिमेनिंग इक्वेशन है इसमें एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 जितना पॉसिबल उतना पुट अप करता हूं, देखते हैं। तो मैंने अगर यहां पे और समेशन का सिंबल निकाल दो तो ब्रैकेट माइनस वन रेस टू वन प्लस वन प्लस वन अपॉन वन स्क्वायर, एन का वैल्यू वन पुट किया यहां पे वन पुट किया, अभी सेम इक्वेशन में एन का वैल्यू टू पुट करते माइनस वन रेस टू टू प्लस वन नीचे प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर, अभी थ्री पुट करते माइनस वन रेस टू थ्री प्लस वन प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस माइनस वन रेस टू फोर प्लस वन प्लस वन अपॉन फोर स्क्वायर, इतना ही लिखता हूं अभी मैं, क्या किया मैंने देखो यहां पे एन था यहां पे एन था तो वहां पे वन वन पुट किया, टू टू पुट किया, थ्री थ्री पुट किया और यहाँ पे फोर फोर, और आपके पास जगह है तो फाइव तक करो आप लोग, क्योंकि मुझे डिड्यूस फाइव तक करना है, मैं फोर तक कर रहा हूं,
तो पाई स्क्वायर बाय फोर, जरा इसका वैल्यू देखते हैं, माइनस वन रेशो टू, माइनस वन रेशो टू कितना होता है प्लस वन, वन प्लस वन, और ये प्लस वन बाकी है अभी भी, अपॉन वन स्क्वायर, देन माइनस वन रेश टू थ्री माइनस वन होगा, और ये आगे का प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर। सिमिलरली माइनस वन रेश टू फोर प्लस वन होगा, प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर, मतलब अगर पावर ऑड रहेगा तो माइनस वन होगा, इवन रहेगा तो प्लस वन होगा। माइनस वन रेश टू फाइव ऑड नंबर तो माइनस वन होगा, प्लस वन होगा फोर रेश टू टू। सिमिलरली अगर आप आगे जाओगे तो माइनस वन रेश टू सिक्स आएगा, दैट इज प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर डॉट 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 डॉट। तो यहां पे अगर आप देखोगे माइनस वन प्लस वन जीरो कैंसल, माइनस वन प्लस वन जीरो कैंसल यहां पे। तो आप चेक करो ना, यहाँ पे आपको वैसे भी वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर चाहिए, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर, आपको टू एंड फोर की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे क्या हुआ देखो, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, आपको ऊपर टू की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, तो आप लोग टू को कॉमन निकालो। तो अगर आप टू कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा, इसके जगह पे वन आएगा, वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस, ये टू गया तो वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर, एंड देन ये टू को शिफ्ट करो आप लोग तो पाई स्क्वायर बाय एट हो जाएगा, और वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर, हैंस डिड्यूस। क्लियर है? सेकेंड डिड्यूस इज पाई रेस टू फोर बाय नाइनटी सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन रेस टू फोर प्लस वन अपॉन थ्री रेस टू फोर प्लस वन अपॉन फाइव रेस टू फोर। अगर ये रिड्यूस आपको रिड्यूस करना है तो इसके लिए आपको n रेस टू फोर की रिक्वायरमेंट है, n रेस टू फोर, और यहाँ पे n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर अवेलेबल है और आपको रेस टू फोर करना है। इसका मतलब अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो n स्क्वायर का स्क्वायर होता है n रेस टू फोर। तो ये स्क्वायरिंग कभी होता है? पार्सेवल में होता है सिर्फ, ओके। और पार्सेवल का फॉर्मूला क्या होता है देखो, बेसिकली यहाँ पे वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू पाई टू प्लस पाई, ये सेकेंड केस के लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट केस के लिए जीरो टू टू पाई होता है। एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए जीरो पाई टू द होल स्क्वायर प्लस हाफ समेशन ऑफ एन टू इन वन टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो इसमें ये ए एन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो ए एन मिला है ना आपको, उसका स्क्वायर किया तो एन स्क्वायर का स्क्वायर एन रेस टू फोर हो जाएगा, तो अभी जाके आपको ये रिड्यूस मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं स्टार्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, एलएचएस से। एलएचएस है वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई, लिमिट्स माइनस पाई टू प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा देखो ठीक से, वन अपॉन टू पाई ओके, लेकिन माइनस पाई टू प्लस पाई इक्वेशन कौन सा लोगे? माइनस पाई टू प्लस पाई आपको पूरा कवर करना है, तो इसमें दोनों इक्वेशन आएगा। अगर लिमिट्स में जीरो टू पाई होता तो सेकेंड इक्वेशन लेते, लेकिन माइनस पाई टू प्लस पाई है तो माइनस पाई टू जीरो एक सेपरेट इक्वेशन होगा, एंड जीरो टू पाई के लिए सेपरेट इक्वेशन होगा। तो आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, माइनस पाई टू जीरो में स्प्लिट करना पड़ेगा आपको इसको, एंड जीरो टू पाई में सेपरेट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ माइनस पाई टू जीरो के लिए इक्वेशन होगा एक्स प्लस पाई बाय टू, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे ना आप लोग यहां पे एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली जीरो टू पाई के लिए नेक्स्ट इक्वेशन पाई बाय टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। सो फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस पाई बाय टू द होल स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन पाई बाय टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर, लिमिट्स माइनस पाई टू जीरो, जीरो टू पाई, देन इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन टू पाई एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस पाई बाय टू द होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय थ्री, तो सिमिलरली ब्रैकेट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस पाई बाय टू द होल क्यूब अपॉन थ्री, एंड इसका लिमिट्स है माइनस पाई टू जीरो। नेक्स्ट इसका भी सेम होगा इंटीग्रेशन, पाई बाय टू माइनस एक्स रेज टू थ्री अपॉन थ्री, अगर इतना सा लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस वन तो वो माइनस भी लेना है, एंड लिमिट्स आर जीरो टू पाई। ओके, वन अपॉन टू पाई, अभी मुझे लिमिट्स पुट अप करना है, यहां पे माइनस क्यों आया था, क्योंकि ये एक्स का कोएफिशिएंट माइनस था इसलिए माइनस किया, बाकी सेम है। तो अगर मैंने अपर लिमिट, यहां पे अपर लिमिट जीरो है, तो अगर जीरो पुट किया है आपने यहां पे, तो ब्रैकेट जीरो प्लस पाई बाई टू द होल क्यूब अपॉन थ्री, ये अपर लिमिट हो गया, यहां पे एक्स की जगह पे जीरो, माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई पुट किया तो माइनस पाई प्लस पाई बाई टू द होल क्यूब बाय थ्री, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस सेकेंड का जो है मैं इसको नीचे लिखता हूं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए, प्लस ब्रैकेट अपर लिमिट है पाई, पाई पुट किया तो क्या होगा, पाई बाय टू माइनस पाई द होल क्यूब डिवाइड बाय माइनस थ्री, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट किया आपने तो पाई बाय टू माइनस जीरो द होल क्यूब बाय माइनस थ्री, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों का। देन अभी इसका क्या फाइनल आंसर मिल रहा है आपको देखते हैं, यहां पे ये पाई बाय टू द होल क्यूब है, उसका क्यूब कितना आता देखते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एज इट इज पाई बाय टू द होल क्यूब और एल्स, हाँ पाई बाय टू द होल क्यूब आपको करना है तो करो, नहीं तो रहने दो, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं कर लेता हूं, पाई का क्यूब पाई क्यूब अपॉन टू का क्यूब होता है एट इंटू थ्री, क्लियर है, माइनस अभी यहां पे ठीक से देख लो, माइनस पाई प्लस पाई बाय टू, मतलब वन माइनस वन प्लस हाफ होता है, माइनस पाई प्लस पाई बाय टू इसका वैल्यू होगा माइनस पाई बाय टू होगा, और उसका क्यूब करोगे आप लोग, उसका क्यूब करोगे तो माइनस, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, पाई क्यूब होगा अपॉन टू का क्यूब एट होगा, तो क्या होगा आंसर, माइनस पाई क्यूब बाय एट, सो हियर माइनस पाई क्यूब बाय एट इंटू पहले से थ्री था यहां पे थ्री, ओके इसका आंसर क्लियर हो गया। प्लस प्लस नेक्स्ट ये भी पाई बाय टू माइनस पाई सेम है, पाई बाय टू माइनस पाई, तो इसका क्या होगा, इसका भी सेम आंसर आएगा, माइनस पाई क्यूब बाय एट माइनस पाई क्यूब बाय एट इंटू माइनस थ्री, पहले से माइनस थ्री था यहां पे, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इसका आंसर होगा पाई क्यूब बाय एट इंटू थ्री, क्योंकि यहां पे देखो ना पाई बाय टू है, उसका क्यूब किया तो पाई क्यूब बाय एट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस थ्री बच गया, तो फाइनली ऐसा कुछ तो मिल रहा है आपको, वन अपॉन टू पाई पाई क्यूब बाय ट्वेंटी फोर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई क्यूब बाय ट्वेंटी फोर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस पाई क्यूब बाय ट्वेंटी फोर, ये पाई क्यूब बाय 24, सब सेम मिला आपको, तो डिवाइड बाय 24 कॉमन रहेगा, कहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस गेट कैंसल, पाई क्यूब बाय 24, क्लियर, ओके ऊपर एड, अभी एडिशन करो, पाई क्यूब प्लस पाई क्यूब प्लस पाई क्यूब प्लस पाई क्यूब, टोटल हो गया 4 पाई क्यूब, सो इसमें क्या होगा, 4 वन जा 4, 4 सिक्स जा 24, and the final is
तो यहाँ पे 6 2 12 हो गया, नीचे 12 बचेगा, पाई पाई कैंसिल हो गया तो पाई स्क्वायर बचेगा, ये हो गया LHS, ये हो गया LHS। देन हम लोग अभी क्या करना है, इसमें वो पार्सेवल में पुटअप करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप LHS लिख लो, देन पार्सेवल में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो आप लोग ने अभी तक फाइंड किया था LHS पार्सेवल का। पार्सेवल का फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू द होल स्क्वायर प्लस हाफ समेशन वन टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ये है पार्सेवल का फॉर्मूला, जिसमें आपको ऑलरेडी वैल्यूज कुछ पता है, बी एन का वैल्यू जीरो था एंड ए जीरो का वैल्यू जीरो है। एंड ये लेफ्ट हैंड साइड जो है मैंने अब भी सॉल्व करके बताया था, उसका आंसर मिला है पाई स्क्वायर बाई 12। सो आपको यहां पे मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू, फर्स्ट कैंसिल हो गया टर्म, हाफ समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर। ए एन आपके पास क्या है, देखो 2 बाय पाई इन टू ब्रैकेट माइनस वन रेस टू एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर द होल रेस टू 2। तो ए एन का जो इक्वेशन है उसका स्क्वायर करना आपको, ठीक है। देन पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 बाय पाई जो दिया पे 2 का स्क्वायर होगा 4, पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट माइनस वन रेस टू एन प्लस वन प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन एन रेस टू 4। तो यहां पे हुआ क्या एग्जैक्टली, एन रेस टू 4 आपको यहां पे यूटिलाइज करने के लिए मिल गया। अब एक एक करके हम लोग मूव कर शिफ्ट करते जाएंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12 इंटू 2, कॉमन आएगा 4 अपॉन एन पाई स्क्वायर। ओके, देन ओके 4 अपॉन पाई स्क्वायर, देन समेश, हाँ बोलो ना मैं काम करता हूँ, आपको रिकॉर्ड करके बैठ जाओ। ओके, आप लोग लेफ्ट करो, मैं रिकॉर्ड करके सेंड कर देता आपको। सो 4 अपॉन पाई स्क्वायर योर समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस वन रेस टू एन प्लस वन अपॉन प्लस वन एन रेस टू 4 द होल स्क्वायर, ये एज इट इज हो गया। अभी शिफ्टिंग करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, बाद में पाई स्क्वायर यहां पे शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई में, तो पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ये 6 बच गया, ये 4 नीचे आएगा इंटू 4। और अभी मैं इसमें एन का वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करता हूं, तो n का वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं, तो ब्रैकेट माइनस वन रेस टू वन प्लस वन प्लस वन रेस टू 2 अपॉन वन रेस टू 4 प्लस माइनस वन रेस टू वन टू प्लस वन प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन 2 रेस टू 4 माइनस वन रेस टू 3 प्लस वन प्लस वन रेस टू 3 अपॉन 3 रेस टू 4 ।। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, यहाँ पे माइनस वन रेस टू ये 2 होगा, माइनस वन रेस टू 2 का वैल्यू प्लस वन होता है, प्लस वन, और ये प्लस वन द होल स्क्वायर। माइनस वन रेस टू 3 होता है माइनस वन, और माइनस वन प्लस वन होगा कैंसल 0। माइनस वन रेस टू 4 होता है प्लस वन, प्लस वन मतलब प्लस वन रेस टू 2
अपॉन 3:4। अगर आप वैसे ही 4 पुट करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि -1:5 होता है -1 + 1 का आंसर। एंड 5 पुट करोगे तो -1:6 + 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5:4 .. एंड हियर π/4 अपॉन 24। अभी इसमें से कॉमन क्या आएगा, 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। सो हियर 4 अगर मैंने कॉमन लिया, 1 upon 3 raised to 4, 1 upon 5 raised to 4 .. ओके, और ये 4 अगर आप मल्टीप्लाई का यहां पे डिवाइड में लोगे तो 4 into 24 कितना होगा, 96। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।